सुकमा, नक्सलियों ने ही लगाए नक्सलियों के खिलाफ पोस्टर। नक्सलियों के बीच हुई दोफाड़। नक्सल विरोधी नेता फारूक अली ने कही ये बड़ी बात। नक्सलियों की लिखावट और नक्सलियों के खिलाफ बैनर। नक्सलियों में फूट हुआ जग जाहिर। पालोड़ी पोटकपल्ली जहां सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं टंगा पाया गया बैनर। बैनर में खेती काम रोक कर रैली जुलूस। कैंप के विरोध में बुलाना बंद करने की हिदायत दी गई है। जनताना सरकार में झूठा मुखबिर के नाम पर निर्दोष आदिवासियों की हत्याएं बंद करने की बात कही गई है। बाहरी नक्सलियों और क्षेत्रीय नक्सलियों के मतभेद का खुलासा आत्मसमर्पण किए नक्सलियों द्वारा किया जा चुका है। नक्सलियों के खिलाफ बैनर और पोस्टर अति संवेदनशील इलाकों में, वो भी उनके अंदाज में। नक्सलियों के बीच फूट को जग जाहिर करता है। नक्सलियों के द्वारा आपसी फूट का जो एक वाकया सामने आया है, और लगातार जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ बैनर और पोस्टर कोटकपल्ली और कई अंदरूनी इलाकों में पाए गए हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि नक्सलियों में आपस में फूट पड़ा है। इसका सबूत ये है कि जो आत्मसमर्पित नक्सली थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार किया है कि जो आंध्रा से आए हुए नक्सली हैं, उनके द्वारा यहां के क्षेत्रीय नक्सलियों से को प्रताड़ना किया जाता है, और साथ ही आदिवासियों की लगातार हत्याओं से क्षेत्रीय नक्सलियों में आक्रोश है, और वो कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है। जिसका अभी कोटकपल्ली में एक बैनर टंगाया गया था, जिसमें साफ तौर से लिखा गया है कि निर्दोष लोगों की मुखबिरी के नाम से जो हत्याएं हैं वो बंद किए जाएं, और कई ऐसे उसमें तथ्य हैं जिससे ये साबित होता है कि वो नक्सलियों द्वारा लिखा गया है। तो जो बाहरी नक्सली और क्षेत्रीय नक्सलियों के बीच में जो फूट है, वो कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है।